Hello guys, once again welcome back to my channel Learning Passion, and you are learning with your brother Krishna Singhania. So guys, let's continue our Russian Revolution chapter 2, in chapter unit 2, okay, sorry. And guys, happy Ganesh Chaturthi to all of you. I wish aap sab bahut safe hoge apne ghar pe aur mere sath padhne mein aapko bahut maza aa raha hoga. So let's continue guys, the interesting and most awaiting chapter for me especially, that is the Russian Revolution. मुझे इतना कुछ मैं इसको चाइल्डहुड में पसंद नहीं आया था ये चैप्टर, बट अब पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए तो अच्छा लग रहा है. सो एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि दैट सोशलिस्ट टू गॉ द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. मीन्स जब अक्टूबर में रिवॉल्यूशन किया सब लोगों ने 1917 में, तो उस वक्त जो सान निकोलस टू की जो गवर्नमेंट थी उसे इन्होंने हटा के खुद सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर अपना राइट ले लिया था. एंड द फेब्रुवरी इवेंट्स एंड जिसमें एंड अक्टूबर इवेंट्स, ये सब मिलके जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, ये इवेंट्स क्या क्या थे हम आने वाले टॉपिक्स में तो पढ़ेगी, बट दिस वॉज वन बेसिक इंट्रोडक्टरी टू कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, अबाउट ऑल दिस वी कम टुगेदर एंड देन वी सी या फिर वी कॉल दिस दिस ऑल द इवेंट्स एज रशियन रिवॉल्यूशन. ओके, सो सान निकोलस टू वॉज द एम्पायर ऑफ द रशियन एम्पायर. अब ये जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे वन मार्क क्वेश्चन, 80% चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट रशिया में कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड है उस टाइम के व्हेन रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. सो यू कैन सी या फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अस्पेंजिया, इतने सारे पार्ट्स थे. तो दे कैन आस्क यू राइट राइट एटलीस्ट टू कंट्रीज और थ्री कंट्रीज ऑफ दैट टाइम विच आर नाउ पार्ट ऑफ रशिया. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. वन मार्क के लिए मुझे डेफिनेटली क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड लेट अस सी सम रिलीजियस बैकग्राउंड. तो रिलीजियस बैकग्राउंड वहाँ का क्या था कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे वो ट्रांसफॉर्म होकर बन गए थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच फॉर्म द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द रशिया. एंड देयर वर सम अदर रिलीजियस पीपल आल्सो लिविंग लाइक कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट एक तरीके से क्रिश्चियन लोगों में और डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं. आपको इसके बारे में डीप नॉलेज क्लास 10th में मिलेगा. ओके, दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब मैप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब ये मैप आएगा. अगर आप अभी एबल है या फिर आपके फ्री टाइम है थोड़ा सा, तो ये मैप के थ्रू डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए बाबा, क्यों बिकॉज ये मैप पूछा जाता है गाइस. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट मैप वंस एटलीस्ट. ओके, नाउ द सेकेंड सब पॉइंट इज हियर अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ओके, सो लेट्स have one deep discussion on this topic. So guys, like India, Russia में भी 85% of the population जो थी वो agriculture based थी, यानी वो लोग agriculture work में ही induced थे या फिर वो busy थे. इससे क्या होता, Russia became the vast exporter of grains compared to other countries. okay, जैसे Russia okay, neighboring countries होती है Germany and France, तो उनका भी production around 40-50% ही था, जबकि रशिया का प्रोडक्शन था अबाउट 85%. और जिससे वो क्या कर सकती थी, खुद के प्रोडक्शन में से खुद के यूज के लिए थोड़ा बहुत रख लेती थी. एंड अबाउट टू देयर 30-40% ऑफ द प्रोडक्शन दे यूज टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज. तो उनका एक अच्छा इनकम का सोर्स बन गया था एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर इतना वास्ट डेवलप था तो डेफिनेटली वहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं, बट कुछ प्रोमिनेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक्स मेंशन दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. ठीक है, ये दो बेसिकली प्लेसेस थे जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था. ठीक है, इन 1890s ये डेवलपमेंट और बढ़ गया. क्यों, बिकॉज इन रशिया देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे लाइन एक्सपांड हुई थी, जिससे क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन इजी बन गया था बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए. एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्रीज वर ग्रोइंग इन नंबर्स. एंड इससे इस वक्त और क्या हो रहा था कि अदर कंट्रीज वर इन्वेस्टिंग इन रशिया, कि रशिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, ये भी आपको क्लास 10th में रहेगा इन डिटेल, सो वी विल लर्न इन क्लास 10th ओनली. आप अभी समझ लीजिए क्या था ये. ओके, तो इससे क्या होता है, रशियन
एम्पायर वॉज डेवलपिंग कंटिन्यूअसली, वहाँ का इंडस्ट्रियल एम्पायर जो था वो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे, जिसके कारण वहाँ का कोल प्रोडक्शन बढ़ गया, आयरन तो ऐसे ऐसे मतलब ज्वालामुखी की तरह फूट के निकला था, आयरन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उनके यहाँ पे। ओके okay? बट ये इंडस्ट्रीज जो थी ना मोस्ट ऑफ दी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, मतलब किसी एक पर्सन की खुद की इंडस्ट्री थी वो, इसमें से बहुत सारी गवर्नमेंट की भी थी, कुछ प्राइवेट्स भी थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है यूजुअली, अपने कुछ लोगों को हायर करती है जिससे वो इन इंडस्ट्रीज पे एक लुक रखे, लुक रखे इन द सेंस कि यहाँ पे जो वर्कर्स, असल में इंडस्ट्रीज है तो ऑब्वियसली वर्कर्स होता है, और तब ज्यादा नहीं था एटलीस्ट 100-200 वर्कर्स तो ईच इंडस्ट्री में काम करते ही होंगे, तो उनपे एक ये रखते व्यू रखते थे जिससे दे यूज्ड टू चेक कि इनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं, ऐसा वो चेक करते थे। विच टू माल प्रैक्टिस वर द प्रोमिनेंट, हाई वर्किंग आवर्स यानी ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स तक काम करना, एंड लो वेजेस, एंड देयर वर अदर थिंग्स आल्सो लाइक नो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, रहने के लिए अच्छी जगह ना होना, ना अच्छा फूड मिलना, ये भी अदर कॉजेस है, बट द टू मेन वर लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लेस वेजेस थ्रू विच रशियन रिवॉल्यूशन एक्चुअली बिगेन। ओके तो इससे अब वो फैक्ट्री वर्कर्स कितने इस पे ध्यान रखेंगे, है ना, तो इससे क्या होता जो स्मॉल फैक्ट्रीज थी या फिर जो स्मॉल वर्कशॉप थी उधर वो लोग ध्यान रख ही नहीं पाए थे, बिकॉज दे यूज टू कम्प्लीट फोकस ऑन बिग फैक्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्रीज, जिससे वो स्मॉल वर्कशॉप पे एक व्यू रख ही नहीं पा रहे थे जिससे वहां पर माल प्रैक्टिस हो रही थी। देन फैक्ट्रीज में जैसे 8 से 10 घंटे काम होता था, तो यहाँ पे वर्कर्स 12 to 14 आवर्स काम करते थे, वेजेस उनकी थोड़ी बेटर रहती थी, इनकी थोड़ी सी और लो रहती थी, वहाँ पे पर्सनलाइज प्राइवेट रूम्स रहते थे वर्कर्स के लिए रहने के लिए, पर्सनल 5 स्टार होटल जैसा रूम नहीं, एक सिंपल सा रूम पर था ना खुद का प्राइवेट रूम, पर यहाँ पे वर्कर्स जो क्राफ्टमैन शॉप वर्कशॉप में काम होते थे लोग डॉर्मेंट्री में सोते थे। एंड एक्चुअली ना डॉर्मेट्री आज जाके इतनी अच्छी हुई नहीं, तो पहले तो यू कैन सी हियर इन द इमेज दिस इज वन ऑफ द डॉर्मेट्री, ऐसे रहना पड़ता था उन्हें, तो हाउ कुड लाइफ बी बेटर हियर, सो ऑल वर फ्रस्ट्रेटेड नाउ ड्यू टू दिस। ओके एंड इवन वर्कर्स इन जो थे वर्कर्स वो भी एक्चुअली सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, कुछ कुछ विलेजेस से आके रहते थे, मीन्स जब वर्किंग मंथ आते थे यहाँ पे आके काम करते थे, बाकी टाइम वापस जाके अपने विलेज में रहते थे, तो इससे उनका एक क्रॉस लिंक नहीं बना, एक स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं बना था अपनी इंडस्ट्रीज के साथ, और कुछ वर्कर्स जो परमानेंटली सेटल थे उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस भी था, है ना। एंड देन वर्कर्स वर डिवाइडेड अमंग देयर स्किल्स, जैसे कुछ वर्कर्स जो मेटल फैक्ट्री में काम करते थे, आयरन फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें एक स्किल्स ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता था, तो उन्हें ऐसा घमंड एटीट्यूड कि यस वी आर बेटर देन यू, यू आर ऑफ नो यूज, है ना, और फिर उनके थोड़े कपड़ों से भी डिफर होता था कि वो एक परफेक्ट यूनिफॉर्म पहन के काम कर रहे थे, एक उनके सेफ्टी में सेफ्टी क्या बोल सकते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट से खुद के पास, जबकि हम कहें या स्मॉल वर्कशॉप या क्राफ्टमैन शॉप में काम करने वाले उनके पास भी टैलेंट तो था ही उनके काम का, बट लाइक दे डिड वेंट टू एनी ट्रेनिंग एंड ऑल ना, तो ऐसा ऐसा नहीं यार, हम देखो कितने महान हैं, हम ट्रेनिंग के थ्रू गए, हम स्किल्स एक्वायर करके आए और तुम लोग वही के वही काम करें, तो लाइक दिस वर्कर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। ओके एंड इवन थर्ट वीमेन ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, एंड एक्चुअली 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर्स वर ऑफ वीमेन, तो लाइक एक होता है ना कि पुअर फैमिली में मैन और वीमेन दोनों काम करते हैं टू मेक अ परफेक्ट लाइवलीहुड और बेटर लाइवलीहुड फॉर देम से, तो ऐसा हो रहा था वहाँ पे, बट वीमेन वर पेड लेस देन मैन एज यूजल, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये वर्कर्स ने क्या किया, जो मिडल लेवल या लो लेवल के वर्कर्स हैं उन्हें एसोसिएशन फॉर्म करने चालू कर दिए, लेबर यूनियन जिसे हम कहते हैं, वर्कर्स यूनियन और लेबर यूनियन। फॉर व्हाट दे डिड बाय फॉर्मिंग दिस यूनियंस, वो खुद के वेलफेयर के लिए काम करने लग गए, लाइक इफ आई एम अ लीडर और इफ आई एम मेंबर ऑफ द लेबर यूनियन और मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है या फिर रहने के लिए पैसे नहीं है या फिर मेरे घर पे मेरी समझ लीजिए कोई फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो ये लेबर यूनियन सबके थ्रू कुछ पैसा जमा करके मेरी हेल्प करते थे, तो लाइक दिस लेबर यूनियंस वर फॉर्म टू हेल्प वर्कर्स। बट भले ही वर्कर्स कैसे भी डिवाइडेड थे पर जब बारी स्ट्राइक की आती थी तो सब बराबर यूनाइट हो जाते थे,
यानी जब मतलब की बात हुई, सब ऐसा होता है ना स्कूल्स में, जब एक स्टूडेंट के कारण सबका फायदा होने आता है, सब जन उसको मस्का लगाने लगते हैं, लाइक यार सेम वर्कर्स यूनियन, कि एक यूनियन अगर स्ट्राइक कर रहा है फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्कर, तो सब जॉइन हो जाते थे। हाँ भाई कुछ भेदभाव नहीं, हम सब एक है, हम सब भाई बहन है, हम सब वेलफेयर के लिए काम करेंगे एक दूसरे के। सो लाइक ड्यूरिंग स्ट्राइक्स ऑल वर कमिंग टुगेदर, एंड इन 1896 टू 1897 एंड अराउंड 1902 स्ट्राइक्स इन रशिया बिकेम द कॉमन थिंग। ओके, अब कंट्री साइड में पीजेंट्स होकर काम करते थे एज एन एग्रीकल्चर। सो पीजेंट्स वर सो डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ, लाइक कुछ वर्कर्स, कुछ पीजेंट्स एज अ लेबर काम करते थे, कुछ के खुद के फार्म थे, या फिर कुछ इतने अमीर थे कि वो दूसरे लेबर्स को हायर करते थे अपने फार्म पे काम करने के लिए। लाइक दिस लेबर्स एंड पीजेंट्स और एग्रीकल्चर या फिर फार्मर्स को हम बेसिकली दे वर ऑल्सो इवन डिवाइडेड, बट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव देयर ओन लैंड। वो लोग नोबल्स की लैंड पे काम करते थे मोस्टली। ओके, एंड दे थॉट कि हमारी तो इससे कुछ इनकम ही नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन का पैसा जो है वो तो नोबल्स ही ले जाते हैं प्रॉफिट, और हमें मिलता है सिर्फ इतना 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 इतना, तो हमारा क्या वेलफेयर हो रहा है इसमें, है ना। सो लाइक दे डिड नॉट हैड एनी रिस्पेक्ट फॉर नोबल्स, एंड इवन वो ऐसा लगता था कि नोबल्स, हमने जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखा, नोबल्स कोई हार्ड वर्क या फिर विषय ड्यू टू योर सोशल स्किल्स और ड्यू टू योर पर्सनैलिटी आपको तो इतना मिला था, आप जो राजा था उसकी सेवा करते थे इसलिए आपको इतने राइट्स और इतने पावर्स मिले, नहीं तो तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटी तो है नहीं कि लोगों ने तुम्हें अपना अपना लीडर चूज कर लिया। नो, यू वर द सर्वेंट ऑफ किंग और सान निकोलस, दैट्स व्हाई यू हैड टुडे दैट पावर। सो लाइक दैट पीजेंट्स वर अगेंस्ट द नोबल्स, दे हैड हेट फॉर नोबल्स। ओके, इसलिए वो लोग ने रेंट पे करना बंद कर दिया लैंड का, वो जिस लैंड पे काम करते थे उस लैंड का रेंट पे करना बंद कर दिया, लैंडलॉर्ड या फिर जो उनके ये थे लैंड के मालिक जिस पे वो रेंट पे लेके काम करते हैं, उनके लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया जिससे लैंड उन्हें मिल जाए। एंड दिस वॉज ऑल टेकिंग एट अ लार्ज स्केल इन रशिया, विच बिकेम देन कॉमन इन रशिया इन 1905। बट हियर पीजेंट्स डिड वन ग्रेट जॉब, इवन उन्होंने एक यूनिटी का काम किया कि समझ लीजिए जिसके पास जितनी भी लैंड है वो सब तुम एक जगह या फिर एक जगह पुल कर लो, मतलब दे यूज टू राइट इन वन बुक कि सब जन अपनी लैंड डोनेट करते थे एक तरीके से एक कमेटी को, ठीक है। और फिर वो कमेटी क्या करती थी, ईयरली वो जो भी उनके पास डोनेटेड लैंड आई है ना, वो लैंड हर एक वर्कर वो विदाउट रेंट लिए, या फिर मैं हम कहते तो मिनिमल रेंट लेके उन्हें वो लैंड फ्री में देते थे काम करने के, कि तुम ईयरली अब इस लैंड पे काम करो, इससे क्या होगा तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा तुम सेल करो, और इसका जितना भी प्रॉफिट होगा दैट इज मैक्सिमम टू फॉर द वेलफेयर ऑफ योर फैमिली। सो लाइक दिस एक क्या होता है, इनमें यूनिटी बिल्डअप हो रही थी। सो आई थिंक यस दिस वॉज अ रियली ग्रेट जॉब डन बाय रशियन पीजेंट्स, एंड आई थिंक यस दिस इज अ गुड आइडिया फॉर द बेटर यूनिटी अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल। ओके, नाउ द थर्ड सब पॉइंट हियर इज सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म मीन्स एक तरीके से हम कहें तो क्लब्स, पार्टीज, है ना। सो पार्टीज वर इलीगल इन रशिया, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करना, जैसे इन इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है, बट रशिया में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होगा फॉर्म करना इलीगल था। यू कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, जस्ट देयर विल बी मोनार्की। सान निकोलस वॉज द किंग ना, सो जस्ट शी इज द रूलर एंड नो अदर पॉलिटिकल वर्कर्स कुड बी देयर। ओके, एंड हावेवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी वो एक काम करते रहते थे छुपके, गवर्नमेंट से छुपके, टू मोबिलाइज वर्कर्स, टू यूनाइट द वर्कर्स एंड कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और उसमें से एक जो पार्टी थी उसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ओके, ये भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रही थी, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी विच वॉज फाउंडेड इन ईयर 1898। सो यस दे वर गुड डूइंग ग्रेट वर्क फॉर दिस सोसाइटी। हाँ, अब इन्हें ऐसा लगता था कि वर्कर्स से ज्यादा पीजेंट्स कुड बी अ बेटर, बिकॉज हमने देखा ना वर्कर्स में डिविजन था कि वो सिर्फ एक स्ट्राइक के यूनाइट होते थे, एंड लेटर दे वर ऑल सेपरेटेड ऑफ बिंग एटीट्यूड ऑफ वी आर द ग्रेट एंड ऑल।
बट इफ यू सी द पीजेंट्स ऑल वर वर्किंग सेम, है ना, भले उसमें रिच और पुअर का थोड़ा सा डिफरेंस था बट दे वर मोर यूनाइटेड अमंग देयर वर्क, है ना। उन्होंने जो लैंड क्लब करके एक परफेक्ट सिस्टम लॉन्च किया जिससे सबका वेलफेयर हो, सबका सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सो दैट वॉज अ गुड पार्ट। सो दे थॉट, सोशलिस्ट पार्टी थॉट कि हाँ हमें वर्कर्स ज्यादा पीजेंट्स को प्रमोट करना चाहिए जिससे हमारा जो रिवॉल्यूशन या फिर जो हमारा इवेंट है वो ज्यादा पॉपुलर होगा या फिर वो ज्यादा यूनाइटेड रहेगा जिससे हमारा जो गोल है हमें बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, तो ने पीजेंट, तो ये पार्टी पीजेंट्स की राइट के लिए स्ट्रगल करना चालू कर दिया। उन्होंने बोला नो बस की लाइन पीजेंट्स को दी जाए, पीजेंट्स को एक फेयर रेट मिले उनके क्रॉप्स का, ऐसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रैलीज और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स। वर्कर्स भी थे बट मोर फोकस वॉज जन ऑन पीजेंट्स लाइफ जिससे एक इवेंट मोर ज्यादा सिंक्रोनाइज फॉर्म में हो या फिर एक बेटर आउटपुट मिले उन्हें। ओके, बट एक लेनिन नाम का पर्सन था, उसका ये मानना था पीजेंट्स वर नॉट यूनाइटेड ग्रुप्स, सम वर पुअर सम वर रिच, एक जो डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ पुअर है कुछ गरीब है, उसका मानना था नहीं ये एक पीजेंट्स को साथ लेके आगे बढ़ना वो इज नॉट अ गुड पॉइंट। व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग डिवाइडेड ऑफ द रिच एंड पुअर कैटेगरी, है ना, कुछ लेबर्स की तरह काम करते थे या फिर तो कुछ लेबर्स को हायर करते थे एंड दिस क्रिएटेड वन डिफरेंशिएशन अमंग देम। सो ही थॉट नो वर्कर्स इज अ गुड चॉइस टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन फास्टर, और कुछ बोलते थे कि नहीं पीजेंट्स बेटर है उनसे रिवॉल्यूशन फास्ट चलेगा। तो लाइक दिस जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक था बोल्शेविक एक था मेंशेविक। तो बोल्शेविक के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जिनका मानना था कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए क्लब में और हमें एक क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स कंट्रोल करनी चाहिए हमारे क्लब में एंड इवन द क्वालिटी ऑफ द मेंबर्स, है ना, जो एक्टिव वर्क थे हमें सिर्फ उन्हें ही लेना चाहिए। जबकि जो मेंशेविक था उनका बोलना था इट्स ओपन टू ऑल, जो इसे ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। तो रशिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री थी। ओके, एंड हियर सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब सार के ऊपर कोई निगरानी रखने के लिए था नहीं। इफ वी से इन इंडिया इफ नरेंद्र मोदी इज वर्किंग ही इज बेसिकली इफ आई कंसिडर फॉर नाउ टू यू जस्ट इमेजिन ही इज द रूलर ऑफ द कंट्री मोनार्की, बट इंडिया वी हैव लोकसभा राज्यसभा और इफ वी से वी हैव इवन प्रेसिडेंट हु कीप्स ऑन लुकिंग, उनके वर्क के ऊपर चेक रखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं किस वे में काम कर रहे हैं सो दैट द वर्क गो सिंक्रोनाइज एंड नथिंग गोस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट उधर रशिया में सार एक अकेले रूलर थे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, जैसा चाहे वैसा काम कर सकते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, डूमा सॉरी नॉट डूमा पार्लियामेंट की डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि नो वी वांट अ पार्लियामेंट फॉर आर कंट्री। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड किया कि नो देयर शुड बी सिस्टमेटिक वे दैट द कंट्री शुड रन। ठीक है, एक वे हर चीज का एक तरीका फिक्स होना चाहिए कि आज से कंट्री में ऐसा कुछ होगा तो यही प्रोसीजर फॉलो होगी। लाइक इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ना, तो रूल सेट है कि आपने ये रूल ब्रेक किया तो आपको ये पनिशमेंट है, ये रूल है तो ये पनिशमेंट है, तो देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, और इनकी हेल्प कर रहे थे जाति दिस, ना जाति दिस मतलब जो रशियन मुस्लिम थे उनका नाम दिया गया था जाति दिस, जो पार्लियामेंट फॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे, उनका भी अपना मतलब था इसमें, उनका था कि इसमें इस्लाम का तो ऐसा रोल होना चाहिए बिकॉज इस्लाम इज मोर मॉडर्नाइज और मोर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देम, सो ऐसा उनका बोलना था। बट इन 1904 बहुत ही एक बैड और रफ ईयर था जब रशियन की जो डॉलर्स थे या फिर जो भी करेंसी थी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, उसका रशियन करेंसी का वैल्यू बहुत डाउन, नॉट रशियन वैल्यू सॉरी गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी मैंने गलत बोला, करेंसी का वैल्यू नहीं, वहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन आ गया था, जिससे क्या हो गया एक जो वेजेस थी वर्कर्स की वो डिक्लाइन हो गई। मतलब समझ लीजिए पहले मेरी सैलरी थी 1000 रुपीज, ओके, पहले मैं उसके अंदर समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100 kg ऑफ वेट ला पाता था, बट अब जिससे क्या हो गया इन्फ्लेशन हो गया प्राइस बढ़ गई, तो अब मैं 1000 किलो में से समझिए 75 किलोज ला पा रहा हूँ, तो मैं 25 किलोस कम ला रहा हूँ, तो इससे क्या होगा मेरे वेजेस की जो वैल्यू है वो नीचे गिर गई है ना, क्योंकि अब मैं उसमें 100 किलोस ला पा रहा हूँ क्या, नहीं, सो दैट इज कॉल्ड एज रियल वेजेस डिक्लाइन में 20% उनका बोलना है। ओके,
इससे क्या हो गया, मेंबरशिप ऑफ वर्क एसोसिएशन, हमने स्टार्टिंग में देखा ना, जो वर्क एसोसिएशन अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते थे, उसकी जो मेंबर्स की लिस्ट थी तो वैसे ओवरफ्लो हो रही, इतने लोग उसे ज्वाइन कर रहे थे कि नो वी आर इन नीड ऑफ मनी, वी नीड योर हेल्प, इतने वो, क्योंकि फैक्ट्रीज भी वर्कर्स यूनियन फॉर्म करके देती थी। तो बट इतनी ओवरफ्लो हुई थी कि उन्होंने क्या कर दिया, गलती से 4 मेंबर्स को रिजेक्ट कर दिया, फिर निकाल दिया कि नहीं हमारे इसमें अब कैपेसिटी है, दोनों हम तुम्हें निकाल रहे हैं, नाउ वी कुड नॉट हैंडल मोर ऑफ द मेंबर्स। और इंडस्ट्रियल जो लीडर्स थे उन्होंने भी निकाल दिया कि नो इट्स नॉट नाउ पॉसिबल फॉर अस टू टेक मोर एंट्रीज। तो उससे क्या हो गया, एक एंगर जमा हो गया लोगों में, वो बहुत चीड़ गए और उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक, एक्शन, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद टोटल 1,10,000 वर्कर्स, ओके कितने, 1,10,000 वर्कर्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग स्ट्राइक पे चले गए, डिमांडिंग इन रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। और इनका जो स्ट्राइक का एक ग्रुप था जिसके लीडर थे फादर गैपॉन, वो लोग पहुंचे विंटर पैलेस। विंटर पैलेस इन द सेंस जिधर किंग रहता था सान निकोलस, अलग अलग पैलेस होते ना उनके, कि विंटर में एक पैलेस सेपरेट है जिधर थोड़ा वार्म टेम्परेचर मेंटेन हो सके, समर में कोई और पैलेस है, नाम दिए थे डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस को। तो फादर गैपॉन अपने ग्रुप को लेके वहां पे पहुंचे एंड उन्होंने डिमांड किया, अपने चीज अपने डिमांड सामने रखी, तो उनके बाद पुलिस ने अटैक कर दिया, पुलिस एंड द कॉसैक्स, ठीक है, कॉसैक्स इन द सेंस सोल्जर्स यू कैन से, ओके। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड, मतलब 100 तो मर ही गए थे और 300 को घायल हो गए थे। और उस दिन इतना वहां पे ब्लड फ्लो हुआ ऑन दी ऑन दैट, हम कहीं विंटर पैलेस के सामने जो स्क्वायर होगा वहां पे, जिससे ये इवेंट को ब्लडी संडे कहा गया। ओके गाइस, दिस इज इवन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लडी संडे क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है, मेरे एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू दिस ऑल इवेंट्स एंड एक्शंस एक 1905 रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ओके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट स्टार्ट होने लगे इसके बाद, फिर यूनिवर्सिटीज जो थी वो बंद हो गई, उनके जो स्टूडेंट्स थे वो रोड पे आके रैली करने लग गए थे, लॉयर्स डॉक्टर्स इंजीनियर सब जन रोड पे आ गए और डिमांड करने लगे अब आप कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, तब भी रेगुलर वर्क ऑफ द कंट्री वुड स्टार्ट, अदरवाइज नो बडी वुड वर्क एंड एवरी वर्ड वुड बी स्ट्राइक। तो इससे सान निकोलस ने एक्चुअली हार मान ली और उन्हें फाइनली पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किया, जिसका उन्होंने नाम दिया, रशियन पार्लियामेंट का नाम उन्होंने दिया डूमा, ठीक है, उन्होंने डूमा बनाया, इलेक्टेड पार्लियामेंट, ठीक है, लोगों ने इलेक्ट करके खुद के पार्लियामेंट को फॉर्म किया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सॉरी फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवर्शन देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड बाय द फैक्ट्री वर्कर्स, है ना, हमने कहा डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज फॉर्म हो गई थी लोगों की, लेबर्स की, पीजेंट्स की, वर्कर्स की, जिस पे वो ये स्ट्राइक्स होकर सब कहे थे। तो उन्होंने क्या किया, सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि अब ये लोग काम नहीं, ऐसे मीन्स यू हमने अब आपकी विश फुलफिल कर दी, अब आपकी कमिटीज कोई काम की नहीं है, ऑल द कमिटीज आर बीइंग डिक्लेयर इलीगल एंड दोज ऑल नीड टू क्लोज डाउन नाउ, ओके, एंड देयर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब आपको कोई भी अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ काम करना है तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से जाना पड़ेगा, और इट्स नॉट इवन नाउ अलाउड कि आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहो, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ उंगली उठा सको, ओके। तो उन्होंने डूमा जो फर्स्ट था उसे डिसबैंड कर दिया, क्यों, बिकॉज दे वर बिंगिंग सम रेस्ट्रिक्शंस टू द पावर ऑफ सान निकोलस, जो उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फर्स्ट डूमा को निकाल दिया 75 डेज में ही। फिर 3 महीने बाद दूसरा डूमा सिलेक्ट किया तो उसे भी निकाल दिया, बिकॉज ऑल वर ट्राइंग टू क्वेश्चन द पावर ऑफ सार, कि आपके पास इतनी पावर है उसे लिमिट करना चाहते, बट ही वॉज नॉट अलाउ इन देम टू डू सो, तो उन्हें भी निकाल दिया। फिर एक और थर्ड डूमा इलेक्ट किया जिसमें उन्हें सिर्फ कंजर्वेटिव रखे, और हमने पार्ट में दिया कंजर्वेटिव हुआ इन द फेवर ऑफ रूलर, तो इससे क्या हो रहा, उनकी पावर्स को भी कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने वोटिंग लॉस बदल दिए जिससे अब लिबरल्स और जो लिबरल्स या फिर रिवॉल्यूशनरीज थे वो लोग आउट ऑफ द डूमा है, एंड डूमा इज नाउ फॉर द कंजर्वेटिव। तो ये बहुत गलत हुआ, डूमा फॉर्मों के भी कुछ फायदा हुआ नहीं। अब बारी आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विच इज अ वेरी ग्रेट इवेंट ऑफ द पास्ट, ठीक है, 1914 में ये वर्ल्ड वॉर चालू हुआ बिटवीन टू अलायंस, वन वॉज सेंट्रल पावर एंड सेकेंड वॉज द रोमेनियन
पावर्स, ठीक है, सेंट्रल पावर्स में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, और रोमेनियंस में थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ठीक है, इन्होंने ग्लोबली वॉर चालू किया, बहुत सारे वॉर्स यूरोप में हुए, बहुत सारे आउट ऑफ द यूरोप हुए। अब सान निकोलस टू पब्लिक को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, ही वॉज टोटली फोकसिंग ऑन वॉर, उन्होंने डूमा को भी सुनना बंद कर दिया, ही वॉज ऑल फोकसिंग ऑन द वॉर ओनली। बट क्या करते, जर्मन्स ने रशिया में अटैक कर दिया, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को अपने अंडर ले लिया। सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका इंडस्ट्रियल मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया था, दैट वॉज कैप्चर्ड बाय जर्मन्स, और उन्होंने उसे नया नाम दिया था पेट्रोगार्ड। ओके, तो जर्मन्स ने खास से एक उनका जो आई थिंक सो शोर था जिधर से वो लोग शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन करते थे, उसे भी कैप्चर कर लिया था, आएगा आगे। ठीक है, सो स्टालिन एंड अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली कॉलम मॉन्क जिनका नाम था रास्पुटिन मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, क्योंकि जर्मन लीडर जो जर्मन जर्मनी फोर्स थे उनके जो मॉन्क एक लीडर थे रास्पुटिन, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग को अपने कंट्रोल में लिया, तो इससे क्या हो गया, ऑटोक्रेसी यानी मोनार्की थी वो बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, यानी सार का नाम बहुत बदनाम हो गया था एक तरीके से, कि वो कुछ कर नहीं सकता, ही इज नॉट अ गुड लीडर लाइक दैट। ओके, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रशियन आर्मी थी दो पार्ट में डिवाइड थी, एक ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही थी और एक वेस्टर्न पार्ट पे लड़ रही थी। जो वेस्ट में लड़ रही थी तो वहाँ पे जो ट्रेंचेस यानी खाई थी उसके ऊपर आर्मी एक लड़ाई कर रही थी जिससे लोग अंदर ना आ सके, और जो थी एक वेस्ट ईस्टर्न में काम कर रही थी जहाँ पे वो लोग की बहुत कैजुअलिटीज होती थी, यानी मतलब रशियन आर्मी के लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। ठीक है, रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, देर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज इन 1917, बहुत बड़ा नंबर है ना 7 मिलियन कैजुअलिटीज होना। एंड रशियन आर्मी अब क्या कर रही थी, वापस सिटी में आ रही थी, अब उन्होंने जो अपने आउटस्कर्ट्स या कंट्री साइड एरियाज थे उन्हें एक तरीके से हार रहे थे ना वो लोग, तो वापस वो कंट्री में भाग सिटी में भाग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिटी में जाते जाते सारी बिल्डिंग, सारे क्रॉप, सारे इंडस्ट्री सब बर्बाद करके जा रहे थे, क्यों, जिससे जो जर्मन अलायंस अब जो या फिर ऑस्ट्रियन अलायंस जो अब रशिया में घुसे गए तो जब सर्वाइव ना कर पाए, उन्हें ना खाने के लिए कुछ मिले, ना उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिले, ना वो कुछ काम कर सके, ऐसा वो करते हुए जा रहे हैं। बट इससे क्या होता है, जो भी एरिया के वो लोग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करे थे या फिर वी सही बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करे थे, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका क्या, इससे क्या होगा, वहाँ पे रेफ्यूजीज हो गए। यस, रेफ्यूजीज बेसिकली मीन्स कि जिनके पास खुद का घर नहीं हो ना खाने के लिए कुछ हो। एंड रशिया में फिर टोटल 3 मिलियन रेफ्यूजीज आए, तब उन्हें उन्हें भी कैसे तो भी सिटी में एडजस्ट करना पड़ेगा। सो देन बहुत कुछ रशिया में इम्प्रॉपर हो रहा था, एंड देन सार की गवर्नमेंट बहुत ही इम्प्रॉपरली काम कर रही थी, रशिया बहुत बुरी तरह से हार रही थी, उसके इंडस्ट्रीज एरिया इंडस्ट्रियल एरिया जैसे पीटर्सबर्ग होगा पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, उनके पास खुद की इंडस्ट्रीज तो इतनी कम थी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाई थी वो लोग भी इतने कम थे, अपना उन्हें रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो रेलवे पूरा डैमेज कर दिया था जर्मनी ने उनका, जिससे वो लोग का ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया, एंड सब कुछ रशिया में इम्प्रॉपरली हो रहा। आई सेड यू ना कि उन्हें पोर्ट कैप्चर कर लिया था, दैट वॉज बाल्टिक सी पोर्ट। ओके, जर्मनी ने रशिया का बाल्टिक सी पोर्ट कैप्चर कर लिया जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था। एंड इन 1960 रेलवे लाइन्स बिगन टू ब्रेक डाउन, जर्मनी ने रेलवे लाइन्स ब्रेक डाउन करना चालू कर दी, इससे क्या हुआ, वो लोग अब सिटी में अब सोल्जर्स तो बचे नहीं, क्योंकि 7 मिलियन सोल्जर्स मर गए थे, तब और सोल्जर्स कैसे ना कैसे तो लाने पड़ गया, तो लोग जो कॉमन पीपल थे कंट्री के उन्हें बोले जो जो खाली फुकट है चलो अब सबको वॉर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा था, वो ऐसे कॉमन पीपल को उठाए थे तो कॉमन पीपल और अग्रेसिव हो गए, प्लस अब फूड जो था भले वो कितना भी प्रोडक्शन कर रहे थे बट अब मोस्ट ऑफ द फूड आर्मी के पास जाता उन्हें फीड करने के लिए, और ऐसा था ना वॉर में लड़ने का तो और ज़्यादा भूख लगती थी और ज़्यादा कंजम्पशन, इससे क्या होता सिटी में फूड की स्कार्सिटी हो रही थी, जिधर अब रशियन तो एक जैसे अब इंग्लिश एम्पायर था तो ब्रेड एग्स ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे वो लोग, तो इसकी स्कार्सिटी होने लग गई वहाँ पे, तो वहाँ पे ब्रेड शॉप्स पे या फिर कई भी कॉमन प्लेस पे लोग झगड़ने लग गए थे। सो वी कैन सी हाउ रशियन एम्पायर वॉज टोटली डिसरप्टेड
ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो तो पूरा एक तरीके से मैं कहूँ तो बर्बाद हो गया था, एंड सान निकोलस वॉज नॉट एक्चुअली वर्किंग प्रॉपरली. सो गाइज ही अभी कंक्लूड आर सेकेंड यूनिट ऑफ द चैप्टर. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगा. अगर आपको और कुछ रिलेटेड नोट्स चाहिए इससे वो तो मैं चैप्टर एंड में प्रोवाइड करूँगा ही, बट इफ़ यू वॉन्ट एनी अदर थिंग विच आई कुड प्रोवाइड टू यू, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज सून एज पॉसिबल. वैसे मैं चैप्टर एंड होते ही आपको नोट्स, 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स मैप क्वेश्चन, नोट्स, PPT प्रेजेंटेशन सब प्रोवाइड करूँगा ही. सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू. एंड आई नो मैं थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट. बट फ्रॉम टुडे एवरी मंडे एंड थर्सडे एट 12 PM हमारी रेगुलर क्लास होगी. मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूँगा एंड आपको देखना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर अ गुड, क्या हो गया आप एक, यू आर गुड सब्सक्राइबर ऑफ माइन, सो यू नीड टू डेफिनेटली गो थ्रू माई वीडियोज. सो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय. एंड वन थिंग बिफोर यू लीव, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मोटिवेट्स मी एंड ईगर्स मी टू मेक न्यू चेंजेस. वैसे एक बात कहूँ, जल्दी ही चैनल में कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं, सो प्लीज़ बी अवेटेड फॉर दैट. एंड बाय.